तो नमस्ते दोस्तों आज हम बनाएंगे किचन में ही रखे चीज़ों से सिर्फ दो चीज़ों से बनकर ये रेसिपी तैयार होगा तो बनाइएगा खाइएगा एंजॉय कीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ज़रा सा भी रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इसके लिए कोई सा भी चावल ले लीजिए एक कटोरी चावल का यूज मैं कर रही हूँ तो इसको दो तीन पानी से अच्छे से धुल दूल लीजिए धुलने के बाद इसको एक से दो घंटे तक पानी ऐड कर कर रख दीजिए फूलने के लिए आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं तो अच्छे से धुलने के बाद अब इसमें पानी ऐड कर लेते हैं पानी ऐड कर कर ढक कर रख देते हैं फूलने के लिए ठीक है तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा एक दो घंटे हो गया है चावल रखे और ये बहुत ही अच्छे से फूल गया है तो चलिए इसकी पानी छान लेते हैं तो आप देख सकते हैं चावल बहुत ही अच्छे से बस थोड़ा सा टच करने पर एकदम टूट जा रहा है यानी अच्छे से फूल गया है तो इसके लिए मिक्सी जार लेंगे अब उसमें चावल को ऐड करेंगे अब इसमें ऐड करेंगे मिर्ची हरी मिर्ची है अपने स्वादानुसार ही ऐड कीजिएगा नमक भी स्वादानुसार ही ऐड कीजिएगा ये दही है दही आपको खट्टी लेनी है तो तीन चम्मच बड़े चम्मच से इसमें ऐड कर रही हूँ तो दही ऐड करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि बहुत ही अच्छे से फाइन पेस्ट हमारा चावल बन जाए तो पीस लेती हूँ तो दिखाती हूँ तो चलिए ढक्कन खोल के दिखा देती हूँ बहुत ही अच्छे फाइन पेस्ट बना लेना है जो कि मैं आपको दिखा रही हूं तो आपको बैटर को ज्यादा पतला नहीं रखना है तो चलिए इसको किसी बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं तो आपको बैटर को ज्यादा पतला नहीं रखना है अब इसको क्या करेंगे कि इसमें आधी कटोरी सूजी ऐड करेंगे जिस कटोरी से हमने चावल लिया था उसी कटोरी से सूजी ऐड करेंगे यानी आधी कटोरी एक कटोरी चावल में आधी कटोरी सूजी ऐड करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से फैट लेंगे तो एक से दो मिनट तक बहुत ही अच्छे से फैट लीजिएगा तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा तो चलिए जो इसमें जार में लगा हुआ है इसमें पानी ऐड करके इसको भी धुल लेते हैं वेस्ट क्यों करें तो इसमें ऐड कर लेते हैं ऐड करने के बाद बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि हमारा बैटर अभी बहुत ही गाढ़ा है तो ज़रूरत के हिसाब से हम आके पानी ऐड कर लेंगे तो चलिए दोस्तों इसको ढक कर रख देते हैं दस मिनट के लिए ताकि हमारा सूजी अच्छे से फूल जाए तब तक एक तड़का लगा लेते हैं तो इसमें तेल ऐड करेंगे बड़े चम्मच से डेढ़ चम्मच तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें सरसों ऐड करेंगे बड़े चम्मच से एक चम्मच और अच्छे से चटकने देंगे गैस की फ्लेम मीडियम है हाई नहीं कीजिएगा ना तो सरसों जल जाएगी तो अब इसमें ऐड करेंगे सूखी मिर्ची इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे और करी पत्ता ऐड करेंगे तो अच्छे से फ्लेवर तेल में आने के बाद गैस को बंद कर दीजिए तो चलिए इधर देख लेते हैं हमारा दस मिनट हो गया है रखें तो इसको भी देख लेते हैं बहुत ही अच्छे से सूजी फूल गई है जो पहले से बैटर हमारा थोड़ा मोटा हो गया है तो इसको एक से डेढ़ मिनट तक बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमें लगा है कि थोड़ा सा मोटा हो गया था तो दो चम्मच हमने पानी ऐड किया था तो अब बैटर के हिसाब से ही पानी ऐड कीजिएगा तो इसमें तड़का ऐड कर लेते हैं आप चाहें तो करी पत्ता और सूखी मिर्ची ना ऐड करें सिर्फ सरसों का ही तड़का आप लगा सकते हैं तो दो मिनट बहुत ही अच्छे से फेंटने के बाद हमने यहाँ पे सोडा ऐड किया है आप चाहें तो इनो भी ऐड कर सकते हैं तो बड़े चम्मच से आधा चम्मच हमने सोडा ऐड किया है सोडा ऐड करने के बाद क्या करेंगे कि एक ही डायरेक्शन में एकदम धीरे धीरे इसको फेंटेंगे सिर्फ़ एक मिनट फैटने से हमारा क्या होता है कि इसमें हवा भरेगा और बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और जालीदार हमारे नाश्ता बनेगी और बहुत ही अच्छे फूल कर तैयार होगा एक तरफ आप कढ़ाई या भगोना रख दीजिए उसमें पानी रख दीजिए उबलने के लिए ताकि हम तुरंत सोडा ऐड करेंगे इसको फटाफट किसी टीन में या थाली में ऐसे आपके पास थाली हो या कोई भी थाली हो जो हमारे बर्तन में आ जाए उसमें थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और उसको बहुत ही अच्छे से ग्रीस कर लीजिए तो ये काम फटाफट कर लीजिए आप चाहे तो आगे से इसको करके रख सकते हैं अब इसमें हम अपना बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे तो आप बैटर को ध्यान से देखिएगा आपको ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला नहीं करना है तो इसको थोड़ा सा टैप टैप कर लीजिए ताकि इसमें हवा हो तो अच्छे से एक बराबर हो जाए तो इधर हमारा पानी गर्म हो रहा है गैस की फ्लेम हाई कर लीजिए ताकि जल्दी से पानी बॉयल हो जाए अब इस तरीके का स्टैंड रखेंगे अगर ये स्टैंड आपके पास नहीं है तो आप कटोरी या प्लेट रख सकते हैं अब इसमें अपना थाली को ऐड कर लेंगे ऊपर से ढक्कन लगा लेंगे तो बट अभी क्या करेंगे कि इस पर थोड़ा सा सूखी मिर्ची पाउडर यानी स्प्रिंकल करेंगे और चाट मसाला ऐड करेंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए और थोड़ा से इसमें हरी धनिया ऐड करेंगे कटा हुआ आप चाहें तो एक मिनट पका कर इसको ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे हम तुरंत ऐड कर लिए हैं क्योंकि इसको बीच में खोलेंगे तो ये अच्छा फूलेगा नहीं तो इसलिए हम ऐड कर दिए हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा इससे कलर येलो में हो जाएगा क्योंकि चाट मसाला का फ्लेवर अब इसमें जाएगा तो थोड़ा सा येलो हो जाएगा इसको ढक दीजिए पंद्रह मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो चलिए चेक करते हैं तो थोड़ा ये धनिया और लाल मिर्ची और चाट मसाला का कलर आ गया है तो येलो में हो गया है तो चाकू से देख लीजिए अगर चाकू में चिपकता है तो एक मिनट पका लीजिएगा नहीं चिपकता है तो ये एकदम फाइनल है पक कर तैयार हो गया है तो गैस बंद कर दीजिए और बीस पच्चीस सेकंड के लिए ढककर रख दीजिए ठंडा होने के बाद अब इसको थाली में से निकालेंगे बट चटनी के लिए यहाँ थोड़ा मूंगफली भून लेते हैं अगर आपके पास मूंगफली भुना हुआ है तो चटनी बना लीजिएगा नहीं है तो भून लीजिए अब भुना चुकी है चटनी अब इसकी ठंडा करने के लिए रख देते हैं और क्या करेंगे कि छिलका हटा लेंगे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये हमारा बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बना है तो ठंडा होने के बाद अब इसको हम कट करेंगे आप कोई सा भी आकार दे सकते हैं स्क्वायर शेप कर सकते हैं या ट्रायंगल शेप कट कर सकते हैं कोई सा भी आकार आप दे सकते हैं तो ठंडा होने के बाद ही इसको कट करिएगा तो दोस्तों ज़रा सा भी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो चलिए इसको निकाल लेते हैं फिर मैं आपको दिखा देती हूँ तो इसमें हमारा जो कढ़ी पत्ता ऐड कर दी हूँ वो दिख रहा है आपको तो आप इसको इसमें ना ऐड करें तो उससे क्या होता है कि इसमें फ्लेवर आता है बट वो तो खड़ा खड़ा दिख रहा है देखिए कितना सॉफ्ट बना है बहुत ही कम सामानों में हमने बनाया है बट बहुत ही टेस्टी है एक बार ट्राई कीजिएगा अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा तो इसी तरीके से सारे निकाल लीजिए तो चलिए इधर हमारी मूंगफली की छिलका निकल चुकी है अब इसकी क्या करेंगे कि चटनी बना लेंगे तो हरी मिर्ची ले लीजिए अपने स्वादानुसार लहसुन ले लीजिए तीन जवा और इसमें अपना मूंगफली ऐड कर लीजिए यहाँ पे चाहें तो आप नारियल कच्चा नारियल का भी ऐड कर सकते हैं दोनों मिक्स कर कर नमक अपने स्वाद ऐड कीजिए और पीस कर उसमें पानी ऐड कर कर पीस लीजिएगा ठीक है पतला गाढ़ा अपने हिसाब से आप चटनी बना सकते हैं तो एक बार मिक्सी चला लीजिएगा चलाने के बाद फिर खोल कर ढक्कन तब पानी ऐड कर कर पीसीएगा तो चलिए इसमें जो तड़का हमने बचा कर रखा था इसमें ऐड कर लेते हैं अब चाहे तो तड़का लगा सकते हैं या बिना तड़का के भी ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही अच्छी लगती है चटनी इस तरीके से बनाकर एक बार देखिएगा बहुत तरीका है मूंगफली की चटनी बनाने का बट ये तरीका जरूर आजमाइएगा तो अंदर से देखिए कितनी जालियाँ उठी हैं चलिए इसी तरीके से बाकी रख लेते हैं अब यहां पे अपनी चटनी को रखते हैं और चलिए तोड़कर भी मैं आपको दिखा देती हूं तो दोस्तों जल्दी से जल्दी शेयर करिए ताकि हमारा वीडियो वायरल हो जाए हमें वन ईयर से पार हो गया है वीडियो बनाते हैं जितना भी वाच कंप्लीट था मेरा सब पीछे का वाच चला गया यानी सारे वाच अब माइनस हो चुका है क्योंकि वन ईयर में हमने चार हज़ार वाच कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद